समझ रहे हो? पीछे देखो पीछे। ये पबजी वाला है क्या? हेलो गाइस, गाइस की गेम। हेलो यार, यू कवर कर दिया क्या? अरे नहीं मारूंगा, चल मित्रों नमस्ते, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गैरसैंण ब्लॉगर में। और आज हम गए हैं पाती देखने, जो पाती स्तंभ मेला होता है यहाँ जन्माष्टमी का, उसे देखने गए हैं रामड़ा मल्ला, जो गांव यहाँ गैरसैंण ब्लॉक का अंतिम गांव है, इसके बाद पौड़ी का क्षेत्र लग जाता है। और अभी हम हैं महर गांव में, जो गैरसैंण ब्लॉगर के ऑनर हैं। और देखिए ये है उनकी मकाने पीछे, मेरे पीछे। ऐसी गांव में ऐसी मकाने होती हैं। अभी रामड़ा यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर होगा और रामड़ा जा रहे हैं हम। इसके बाद सीधा दूतातोली डांडा लगता है और दूतातोली डांडा पौड़ी में आता है। धन्यवाद, मिलते हैं आपको आगे। अभी हैं हम अपने दोस्त के ससुराल सिंधार में, जो ये हमारे मित्र हैं उनका ससुराल है। देखिए बदनाम कर रहा हूँ मैं इनको, देखिए। ये उनका जेठू लगते हैं, पर ये क्लासमेट्स भी हैं उनके। क्या बोलेंगे क्लासमेट्स को हिंदी में? हमारे मामा जी हैं, ये मामा जी हैं, इनके ससुर हैं। और आप बाकी आप देख सकते हैं, देखिए गांव घरों में कितना अच्छा समाज होता है, देखिए क्या शांति फैली है। और बहुत अच्छा आपको कैसा लग रहा है अपने ससुराल में? क्या दिख रहा हूँ? कुछ नहीं दिख रहा हूँ, बताइए। ठीक लग रहा है, ठीक अच्छा लग रहा है ना? अच्छा। आप कितने बार आ चुके हैं यहाँ शादी के बाद? 3-4 बार। 3-4 बार तो बहुत शांति है इस गांव में। देखिए आप गांव का माहौल एकदम, वो क्या बोलते हैं, शहरों की कड़कड़ाहट से दूर। बहुत अच्छा है गांव। आप आपका गांव भी होगा, स्टडी का निकालो तुम। देखिए हम प्यार से इन्हें छिदरी बोला करते हैं, पर ये हमारे परम मित्र हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। किस घर में पार्टी हो रही है? कल इस घर में होगी पाती। मित्रों यह जगह है जहाँ कल पाती स्तंभ खड़ा हुआ, और यहाँ पे जहाँ पे चिमटे और त्रिशूल रखे हैं, यहाँ पे पाती स्तंभ खड़ा होगा। और ये हमारे रवि ब्रो, ये घर है, ये प्रधानों का घर होगा, नहीं ये प्रधानों का घर है, क्योंकि प्रधानों के घर में होती है मेरे। और बाकी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हमारा मित्र आ रहा है, जिसका ससुराल भी यहाँ निकट पर है। बहुत खुश है ये बेचारे, देखिए कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। Come on.
देखो ना ये बोलो कुछ जय यार बैग लेकर आया もう死んでいる。हेलो दोस्तों सुप्रभात आप लोगों को और आज है पाती का दूसरा दिन। कल रात पाती हुई जो रात भर होती थी उसे गढ़वाली भाषा में भीतल पाती बोलते हैं और आज पाती स्तंभ खड़ा होगा। हम तो यहाँ नीचे के गांव चल और हम मवेशियों को पानी पिलाने ले जा रहे हैं। ये है महर गांव उधर वाला देखिए और ये यहाँ देखो ये हमें मारने आ रहा है। चल चल अच्छे कहाँ जाता है क्या चलो चलो जल्दी आ कौन होते अरे नहीं मारो ना चाल तो क्यों जा कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर ने कदम पीछे हटा ले। अब शुद्ध पानी है हिमालय का हिमालय की जड़ी बूटियों को लेते हुए वो आ रहा है। तेरे सारे पाप रोग धुल जाएंगे इस पानी से। चल 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 ले जा अभी नुता भगवान होता जी। मेरे दोस्त और ये दूसरा दोस्त हम आज अपने बैलों को पानी पिलाने ले जा रखे हैं और ये इस काम में बहुत ज्यादा माहिर है जो आगे पे चल रहा है मेरा दोस्त। प्यारे भाई और बहनों ये मेरी दोस्त है ये गांव की दोस्त है ये अभी साथ में है ये बहुत ज्यादा शर्माती है और इसका नाम बबली है। ये देखो कितना शर्मा रही है। तो ज्यादा आपका ज्यादा वक्त न जाया करते हुए इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय अब बाय बाय बार बार झूठ बोलो बाय दोस्तों। हम जा रहे हैं अभी मेला देखने और ये है मेरे दोस्त चाचा लोग भाई लोग। तभी हम आपको रामड़ा में जाके दिखाते हैं पाती का नज़ारा। रामड़ा पहुंचने वाले हैं और मेरे दोस्त लगे हैं और यहीं पर रामड़ा आने वाला है। वो पाती का स्तंभ जो जिस जंगल से लाए बहुत दूर से लाए हैं और 35 हाथ उसकी लंबाई ये बता रहे थे। आईफिल टावर जैसी आईफिल टावर जी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सुबह गौरा देवी स्थापित हुई सुबह 4 बजे। यह है यहाँ का पानी का स्रोत जिसे गढ़वाली में मंगेरा या पंडेरा बोले थे हैं और ये बोले हैं थोड़े जोर से बोलो पानी पी रहे हैं। देखिए जगह जगह से लोग आ रहे हैं मेला देखने। तो दोस्तों हम उस घर में पहुंच चुके हैं जहां पाती हो रही है और ये स्तंभ है पाती का स्तंभ। देखिए गुब्बारों से सजा हुआ है एकदम और वो लास्ट जो है वहां हमें जो भेंट रहती है वो दी जाती है। और देखिए इसमें हम अभी अपने मामा जी के घर में आए हैं और ये उन्होंने अपने हाथ की कलाकारी लकड़ी पे करी है आप देख सकते हैं। भोलेनाथ जी और 40 साल पहले की नहीं ये हाल ही में बनाई है इन्होंने। जा बे हेलो गाइस तो आज हमारे गांव में मेला है तो इतने लोग देखने आ रहे हैं। अब यहाँ पे जोड़ पापा आएगे बाहर है जोड़ आएगे Oh
कपिल बड़ोली हो या थे ये इनके बड़ो नु मार है ये इनके यार किसकी अरे इधर की बना दी वो मैंने बना दी। देखो दोस्तों यहाँ पर कितनी भीड़ लगी है और कितनी भीड़ और की है, सारे वीडियो बना रहे हैं। भाई साहब मोन को जी कपिल हम मनवर सिंह पे जूम मारेंगे दिख नहीं रहा हूँ हमको। भाई साहब मंडली का राजपाल यादव है, देखिए ये सबको एंटरटेनमेंट करता है और ये हमारे मंडली के वरिष्ठ अधिकारी हैं। देखिए देखिए ये कैसे क्या बोला आपने किसके अंदर क्या है। हेलो गाइस यहाँ पे हम रावण आए हैं, रावण में बहुत भीड़ है, बैठने की व्यवस्था नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है यहाँ, गैरसैन के फरकंडे के पूरी ग्राम सभा यार। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो लेबर का क्या हुए कपिल जी और थोड़े तो बचे हो
भोजपुरी हिंदी फॉर्म और पहाड़ के नीचे जा ऊपर से गोल पास की देखो कर जा भाई तू वहां से जहां तू मत मार को तो भी जा मेरे बीपी लो होंगे तो भी जा बड़े का तुरंत खा ले मुझे भाई ओए मां बबली दीदी पेट लेगी वैसे यहां से क्या होंगे ऐसे बैठे बेड पे अच्छा अच्छा हेलो हेलो दोस्तों हेलो मेरे ब्रदर एंड सिस्टर एंड ही इज माय ब्रदर एंड वी आर एट अंगतवेली हम अंगतवेली की धार में हैं ताजबर के गांव के बहुत नज़दीक यहाँ से ताजबर का गांव जस्ट पास ही में है और रुको हम हेलो गाइस आज के शाम की आज के मुख्य समाचार अभी हमारी पार्टी में पार्टी हो रही है टूटी है नहीं और आज के मुख्य समाचार कर रहे हैं और इंतजार करते करते यहाँ सर दर्द होने लग गया है तभी इनकी पार्टी नहीं टूट रही है अब देखते हैं कितने बजे पार्टी टूटेगी ये है थोड़ा इसका दृश्य थोड़ा मैं बैक कैमरा करना चाहता हूँ थोड़ा इससे नहीं होता हो इससे नहीं होता अरे सॉरी अब इसी से ही देखो ये एक छोटा सा लड़का ये बड़े दूर से हमारे यात्री गण बड़े दूर से ये आए हैं हमारे लोहा पट्टी से ओ ममता ठीक ठाक हेलो संजीव
प्रकाश सिंह आ जा भाई, थोड़ी भी गलत हुई ना।
चलिए।